टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत फिलहाल रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं। कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचे पंत का इलाज मुंबई में चल रहा है। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली से अपने घर रुड़की जाते हुए पंत कार हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो बैसाखी के सहारे चलते हुए दिख रहे थे। अब एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने फिर से पंत को लेकर अपने दिल की बात कही है। जी हाँ, जब एयरपोर्ट पर उर्वशी को स्पॉट किया गया तो पैपराजी ने उनसे ऋषभ पंत के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि सोशल मीडिया यूजर्स ने मौज ले ली। उर्वशी रौतेला अक्सर एयरपोर्ट पर नजर आती हैं। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो पैपराजी ने उनसे पंत को लेकर सवाल पूछा। इस पर एक्ट्रेस ने ऋषभ पंत के हालिया पोस्ट के बारे में पूछा गया। पैपराजी ने कहा, उर्वशी मैम, इंस्टा स्टोरी देखी आपने? उर्वशी पूछती है कि कौन सा फोटो? पैपराजी ने कहा कि उर्वशी मैम, इंस्टा देखा आपने? उर्वशी पूछती है कि कौन सा फोटो? पैपराजी बताते हैं, अरे ऋषभ पंत रिकवर हो रहे हैं। उर्वशी पहले तो मुस्कुराई और फिर इस पर रिएक्ट भी किया। उर्वशी के सामने पैपराजी ने कहा कि पंत जल्द ठीक हो जाएंगे। तब उर्वशी ने कहा कि हाँ, वो देश के गर्व है, भारत की एसेट है। फिर पैपराजी कहते हैं, हमारी तो दुआ है उनके साथ। इसके बाद एक्ट्रेस जवाब देती है, हमारी भी दुआ है। इस वीडियो पर अब लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। ऋषभ पंत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। वो बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। पंत ने तब लिखा था, एक कदम आगे, एक कदम और मजबूत, एक कदम बेहतर। पंत के एक पैर में सूजन के चलते पट्टी भी बंधी दिख रही थी। ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के रिलेशनशिप की खबरें बीते कई सालों से सुर्खियां बन रही हैं। लेकिन उनके बीच वार पलटवार और इकरार तकरार का सिलसिला भी जारी है। कई बार पंत को लेकर ट्विटर यूजर्स उर्वशी को ट्रोल कर चुके हैं। हाल ही में जब ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था तो उर्वशी रौतेला ने एक पोस्ट भी शेयर किया था। उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ प्रेइंग लिखा था। इसके बाद उर्वशी को जमकर ट्रोल भी किया गया था। पंत और उर्वशी के बीच अक्सर सोशल मीडिया पर भी तकरार होती नजर आती है। इसकी शुरुआत एक इंटरव्यू से हुई थी। उर्वशी ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आरपी यानी ऋषभ पंत मुझसे मिलने आए थे। वो कई घंटों तक मेरा इंतजार करते रहे लेकिन मैं मिल नहीं पाई थी। इसके बाद मैं उनसे मुंबई में मिली थी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का इलाज जारी है और वो रिकवर कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम और छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।